क्या सफर रहा है मिस इंडिया और मिस ग्रैंड, और कितनी तैयारियां की आपने और कितना वक्त लगा आपको और कितनी बदलाव देखती हैं आप अपने आप में? जी, मैं इस चीज़ की तैयारी इसी साल मैंने शुरू की थी, क्योंकि जब मैं कैंपस प्रिंसेस थी उधर से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। मैं कैंपस प्रिंसेस में एक फाइनलिस्ट की तरह सेलेक्ट हुई थी, और मैं कॉलेज में उस टाइम भी जाती थी, तो मेरे लिए कॉलेज की स्टडीज़ को मैनेज करना और मिस इंडिया की स्टडीज़ को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। बट मैं अपने कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ मिस इंडिया की तैयारी करती थी, क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करती थी, प्रैक्टिस करती थी, चलना कैसे है रैंप वॉक पे उसकी तैयारी की मैंने, और कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, जो कि एक मिस इंडिया को आना चाहिए। तो मैंने उन सभी चीज़ों पे काम किया अपना अपने कॉलेज के टाइम पे, और जब मैंने ऑडिशन दिया और जब मैं मिस इंडिया बनी, उसके बाद रियल जो ट्रेनिंग होती है, जो ग्रैंड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए चाहिए थी, वो मेरी शुरू हुई थी। मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपनी वॉक पे, अपनी बॉडी पे, तीनों चीज़ों पे किया, एक मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और इनफैक्ट स्पिरिचुअल भी। तो इन सभी एस्पेक्ट्स में मैंने अपना काम किया। हर छोटी छोटी चीज़ पे, डिटेलिंग पे उन्होंने मुझे ब्रश किया और पॉलिश किया कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि एज एन एम्बेसडर आपको अपने बेस्ट उस पर रहना है। तो उन सभी चीज़ों पे मैंने काम किया, एंड आई थिंक ये जर्नी कुछ एक महीनों की नहीं थी, बट आई थिंक जो मुझे प्रेपरेशन करनी पड़ी है वो उससे भी ज़्यादा थी। मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं इन कुछ महीनों में जो मुझे चाहिए था इंटरनेशनल लेवल के लिए, मैं वो कर पाऊँ। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, बट उसी में ही मज़ा था। वो दोनों पर्सनैलिटी कितनी अलग है, जैसे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल और एक डायरेक्टर, जी कितनी अलग है आपकी? दोनों अलग प्रोफेशंस हैं, बिल्कुल ही अलग प्रोफेशंस, पर जो एक चीज़ दोनों में सिमिलर है वो है दोनों में कमिटमेंट और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। जब आप डॉक्टर के लिए चल रहे होते हैं, आपको पैशन चाहिए उस चीज़ के लिए भी, और वैसा ही सेम इसके लिए भी होता है। जो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, उस पर खड़े उतरना और उसको पूरा निभाना 100% अबिलिटी से, आई थिंक वो दोनों चीज़ों में कॉमन है। तो आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर की पढ़ाई करने से ही मुझे इसका काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि वो डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैशन जो था वो मुझे पहले से ही पता था उसका वैल्यू। सो आई थिंक वो हेल्प किया मेरी मिस इंडिया की जर्नी में। तो क्या पहले से डिसाइडेड था डॉक्टर बनना, या सपना ये कब से आपने देखा था कि मुझे मिस इंडिया, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनना है? जी, बचपन से ही सपना था मिस इंडिया बनने का और अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का। तो जब मैं छोटी होती थी, मैं अपने पिताजी को बोलती थी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर और मिस इंडिया बनूंगी। तो पापा भी ये कहते थे कि ज़रूर बनोगी, मतलब भरोसा था मेरे ड्रीम्स में, उन्हें भी भरोसा था। तो आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल पार्ट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे कभी किसी ने ऐसे डिमीन नहीं किया कि नहीं कर पाओगी या ये सोचना बेकार है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, जिसकी वजह से मुझे और बिलीफ आया मेरे सपनों में, और आज वो सपने हकीकत में बदल चुके हैं। सो आई थिंक जो बिलीव था मुझ में और मेरे पेरेंट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मुझे इधर तक पहुंचने में। काफ़ी डॉक्टर्स की बात करना, मानुषी जी, वैसे डॉक्टर्स ही मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बन रहे हैं, क्यों? मतलब डॉक्टर्स ही, डॉक्टर लोग को ही जी यही खावे, ये आई थिंक ये इत्तेफाक है मिस वर्ल्ड। जी जी, ये एक इत्तेफाक है कि वो भी मेडिकल फील्ड से थी और मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। हर लड़की का ही सपना होता है आई थिंक, सिर्फ एक डॉक्टर का ही नहीं, बट ये बात है कि दोनों ने हार्डवर्क किया, सपनों को हकीकत में बदला, और हमने ये भी दिखाया कि आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, बट अगर आप में डेडिकेशन, हार्डवर्क और वो जुनून है करने का, तो आप जरूर करेंगे। पर्सनली घर में ज्यादा कौन सपोर्टिव रहा है जी मिस इंडिया बनने में, ज्यादा आपको प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट हमेशा दिखाया? आई थिंक मेरी फैमिली में मेरे पिताजी थे, मेरी मम्मी है और मेरा भाई, तीनों का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। मेरे पिताजी की इस साल जब वो हाउ डू यू से, जब मेरे पिताजी की साल डेथ हुई, तो उसके बाद मेरी मम्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव रही, और उन्होंने अकेले मुझे और मेरे भाई को आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने इस चीज़ को एक कारण नहीं बनने दिया हम दोनों के ड्रीम्स में और हमारी पढ़ाई में रुकावट आने का वजह नहीं बनने दिया। सो आई थिंक दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और मेरे पिताजी का भरोसा और मेरी मम्मी जी की ताकत जो थी, एक्चुअली मुझे यहाँ तक लेकर आई है, एंड आई थिंक
उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं होना था, और आगे भी उनका सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। क्या रिएक्शन था मॉम का जब आप बाहर अपना देश का नाम रोशन करके जी इंडिया आई और मिस इंडिया बनी, तो क्या रिएक्शन था और क्या कहा उन्होंने? जी वो फिनाले के लिए वहाँ आ नहीं पाए थे, बट उनके साथ मैंने वीडियो कॉल किया जब ये सेरेमनी ख़त्म हुआ था, एंड मेरी मम्मा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यू नो उनकी बेटी पूरी दुनिया में जानी चाहेगी इस चीज़ से कि उन्होंने नाम रोशन किया है, नॉट एज मीनाक्षी चौधरी बट एज इंडिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें, और अभी मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कब मैं घर आऊँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मेरे को उधर आए हुए भी। वो एक वीडियो देखा था आपको जी कम हो रहा है जी एयरपोर्ट पे भी, जी व्हाट वाज दैट फीलिंग? वो कितना आपके लिए अलग रहा और अच्छा रहा एक्सपीरियंस टोटल? जी जब आपकी विक्ट्री एक दूसरे की वजह बने खुशी यू नो लाने का, आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। और मैंने जब अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली उन सबके चेहरों पे वो खुशी देखी, आई थिंक मेरे लिए तो विक्ट्री वही थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक ग्रैंड वेलकम मिला मुझे अपने ही लोगों से, और बहुत सारी बेस्ट विशेज मिली सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। आई थिंक आई हैव अचीव्ड बहुत ज़्यादा अपनी उम्र का, और मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था मुझे होगा, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ के लिए, आई एम सो थैंकफुल। क्या फ्यूचर प्लान है इसके बाद, क्या डॉक्टर कंटिन्यू करना चाहेंगी या फिर और भी कुछ अनदर प्लान है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और वो ग्रेजुएशन के बाद ही पूरा हो पाएगा मेरा। तो बिल्कुल ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे भी ट्राई करनी है। आई वॉन्ट टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ ट्राई करनी है। ये साल पूरा सेल्फ डिस्कवरी के लिए है मेरी, तो जब तक मैं अपना क्राउन पास आउट नहीं करती, आई थिंक बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं। सो एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ लाइक अ न्यू way of experiencing new things, so I am open for everything that comes my way. फिल्मों को लेकर क्या thoughts हैं आपके, क्या ख्याल आते हैं? जी आई थिंक अभी तो मेरे पास बहुत बड़ी responsibility है as a Miss India first runner up और grand international first runner up, तो अभी उनकी duties भी मुझे संभालनी है, responsibilities जो हैं वो fulfill करनी है। शायद मैं अपनी बाकी grand sisters के साथ travel करूँगी Thailand और बाकी जगह पे डिफरेंट कैंपेन्स के लिए, तो आई थिंक अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, तो इधर उधर अभी ध्यान नहीं है, बट आई एम गोइंग टू मेक एवरी मोमेंट वर्थ इट, यू नो। तो हर चीज़ का जो है अभी मायने होता है, और मैं इस चीज़ को पूरा यू नो उसका आई वांट टू मेक यूज ऑफ इट टू द फुलेस्ट, कैसे बोलते हैं? तो अभी आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इसको पूरा निभाना चाहती हूँ, तो फिलहाल तो यही चीज है, एंड लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। बट इन फ्यूचर यू गेट अ चांस टू वर्क, गेट अ बेस्ट ऑफर जी, तो क्या कुछ सोचा है कि हाँ कर लेंगे, या कोई वेब सीरीज या कोई बड़ी पिक्चर? जी ऐसा होता है ना, जब आपको पता हो वो चीज़ कर पाए तो आप कर पाए। मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, तो आई एम डेफिनेटली अप फॉर ट्राइंग, बट इट्स ओनली आफ्टर दैट यू नो अगर आपको आगे करना है या नहीं करना है, यू नो। तो इट्स ओनली आफ्टर यू ट्राई थिंग्स इज व्हेन यू नो। सो आई एम अप फॉर एवरीथिंग दैट कम्स माई वे, बट माई फ्यूचर इज डिपेंडेंट अपॉन वट आई वॉन्ट टू डू आगे, सो लेट्स सी अबाउट दैट। जी बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, आई रियली लव प्रियंका चोपड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब हमारा ही था, बाकी सब करके बाकी सब मतलब आईएस तो दिल्ली से और वो तो फोन पे हुआ है, बाकी डिजिटली कोई नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं है। हाँ नहीं, कुछ इतना बोलते हैं।